और सबसे पहले रुक करेंगे अंबाला का, जहां पर कैंट रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में अचानक से आग लग गई। अमृतसर लालकुआं एक्सप्रेस वे की बोगी में अचानक से आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया, पूरे आसपास इलाके में हड़कंप मच गया। यात्रियों ने भागकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। रेलवे की रेस्क्यू टीम ने आग पर काबू पा लिया है। आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल स्थिति साफ नहीं है कि आखिर किस वजह से यह आग लगी। ट्रेन की बोगी के शीशे तोड़कर इस आग को बुझाया गया। किसी के हताहत होने की खबर अभी नहीं है, लेकिन अंदाजा आप लगा सकते हैं तस्वीरें देखकर कितना खौफनाक मंजर वो रहा होगा। लोग अंदर फंसे हुए थे और लोगों को सिर्फ यही था कि वो जैसे तैसे ट्रेन से बाहर निकले और अपनी जान बचाएं। कृष्ण बाली इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। कृष्ण, अफरा तफरी का माहौल कैंट स्टेशन पर उस वक्त बन गया था जब एक बर्निंग ट्रेन सामने आई। जी बिल्कुल, इसको कह सकते हैं कि स्टेशन में जो पूरी तरह से अफरा तफरी मची रही, खासकर जो ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर थे, जो जिस ट्रेन के अंदर ये आग लगी उसमें जो पैसेंजर थे उसमें ज्यादा अफरा तफरी रही। और ट्रेन रेलवे स्टेशन में पहुंचते ही सभी यात्री एकदम से उतरकर बाहर को भागे और एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। हालांकि इसको कह सकते हैं कि आग ये कोई ज्यादा बड़ी आग नहीं थी, सिर्फ एक जो टॉयलेट में एक डस्टबिन रखा होता जिसमें किसी ने बीड़ी या सिगरेट वगैरह पी के उसमें गिर दी और उसकी कारण अंदर आग लगी और लगातार बाहर इसका धुआं नजर आने लगा। ये तो समय रहते रेल कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर उसको आग पर काबू पा लिया और लगभग आधे पौने घंटे की इंतजार के बाद अंबाला के ट्रेन को रवाना कर दिया गया।